बताएंगे प्रोटेस्ट करें हाईवे ब्लॉक के क्यों किया सर? हमने वार्ड नंबर 21 में प्रोटेस्ट हो रहा है आज, हमें 3 महीने हो गए। पहले तो पानी बिजली की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो हमने सारे सबने एकजुट होकर इस सब बिजली की समस्या को समझा कि बिजली पीछे से ही काम है। लेकिन आज हमें 10-12 दिन हो गए हमारे मोहल्ले में बिल्कुल पानी नहीं है। ऐसे ऐसे गलियां हैं जहाँ पे तो महीने से पानी नहीं आ रहा है। देखो इतने इतने 4 रोड हैं, 4 रोड के क्रॉस करके हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से पानी लाएंगे? सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी के बिना तो कोई काम संभव नहीं है। हमें आज हमने ये छोटा सा प्रोटेस्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन और PHE डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट को अवेयर किया है कि हमारी मांगों को मद्देनजर रखकर इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और हमारे पानी का जो हमें इस बार इन्होंने पानी का बरकर दिया हुआ है, पानी वाला वो पानी एक तो टाइम पे नहीं छोड़ता है और उसका पता ही नहीं है ना, तो हमें उसकी बात समझ आती है। ये पहला ऐसा लड़का लगाया हुआ है इन्होंने जो पानी का, जिसको पता ही नहीं है पानी देना का। किसी के तो गली में पूरा दिन पानी चलता रहता है, किसी गली में पानी आता ही नहीं है। हमारे घरों में तो आज 15-15 दिन हो गए पानी आए हुए। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा हो, खुद मौका देख के हमें बोले। हम रहते हैं टाउन एरिया कमेटी में, लेकिन हमारी इतनी गंदी स्थिति है। हम बोलते हैं ऐसे गाँव के लोग भी हमसे अच्छे हैं, जिनके मोहल्ले में बोर वगैरह किए हुए हैं और जिनको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से आज अपील करते हैं कि हमें ये छोटा सा प्रोटेस्ट करके इनको जतलाया है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम 1-2 दिन में हम रोड ब्लॉक करेंगे। इसकी जो है जिम्मेवार जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, PHE डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट होगा। जी बताइए प्रोटेस्ट करें क्यों करें? यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत देर से पानी और बिजली की समस्या है, जिससे हमें जूझना पड़ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ पे जाएं पानी करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि पानी की समस्या और बिजली की समस्या को दूर किया जाए, जिसके कारण हम आज महीना हो गया बहुत परेशान है। पानी तो आता ही नहीं है, उसके बाद बिजली का भी कोई ठिकाना नहीं है। 1 घंटे आती है, 4 घंटे बंद रहती है। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ना हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना हमें ना कोई भी सुविधा हमें मिल पा रही है इसके कारण। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी बात को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए, नहीं तो हम फिर प्रदर्शन करने के लिए हाईवे पर जाएंगे। धन्यवाद। शर्मा, ये रामनगर कॉलोनी की निवासी हूँ। सर यहाँ पे 3-4 महीने से पानी आया ही नहीं है। पानी की इतनी परेशानी हो रही है कि हमें इन्हीं 2 महीने ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो अभी पहले वाला जो पानी छोड़ता था वो ठीक था, जो नया बंदा इन्होंने लगाया उसको तो बॉल्स का ही नहीं पता है, कहाँ बॉल है कहाँ नहीं है, ना तो बिजली आ रही है। पूरा दिन बिजली के भी कट रहते हैं, तो पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। 3-4 महीने से टैंक पूरे खाली है। छोटे बच्चे बताओ आप, ये रोड क्रॉस करके हम कहाँ जाए पानी लेने? तो ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि पानी की जो ज़रूरत है हमारी पूरी की जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट हमारे बता ही दिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जतलाया हुआ है कि रोड करेंगे ब्लॉक, नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होगा। थैंक यू। मेरा नाम सर सुधांश चंद्र त्रिपाठी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5-6 महीने से पानी की और बिजली की मुझे बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो पिछले 5-6 महीने से ना बिजली मिल रही है और ना पानी मिल रहा है। आप तो मीडिया बंधु, आपको तो सारा पता है, आप वो कवरेज भी कर रहे हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है, ये एक वार्ड का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद हो सकता है चौकी में भी पानी ना हो, क्योंकि हम पीछे आज से 5-7 दिन पहले PHE डिपार्टमेंट में गए थे, पीने के लिए भी उनके पास पानी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका हल मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट, क्या कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? हम बार बार डीसी साहब से भी मिले हैं, PHE वालों से भी, पिछले 2 साल से जंग लड़ रहे हैं। एक हमारी वार्ड है, वार्ड 14-13 का है, आपको पता है, मीडिया बंदी को पता है। वार्ड 21 का भी मसला, उसमें 21 भी आता है, क्योंकि ये पहले एक ही वार्ड था, अब ये 3 वार्ड हो गए हैं। तो ये समस्या बड़ी वो हो रही है। तो ये बात भी सही है कि पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहले कोरोना था, कोरोना के कारण आपको पता सारा कुछ बंद था, अब तो कोरोना भी चला गया,
तो आप बच्चों को स्कूल तो खोल दिए ना, लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे जब पानी नहीं होगा, ना सुबह पानी है ना रात को पानी है, बच्चे नहाएंगे कैसे, स्कूल जाएंगे कैसे? तो एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब लाइट है, पिछले चार दिन से लाइट ही नहीं आ रही, तो इनको पूछते हैं, ये कहते हैं जी हमारा टैंक नहीं भर रहा, टैंक है ही नहीं है, तो टैंक में जब भरा नहीं जाता पानी तो सप्लाई कैसे देंगे? ये कहते हैं जी टैंक नहीं भरा जा रहा, इनके पास एक ही बहाना है। और ये नहीं, मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या मांग करना चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन यही मांग करना चाहते हैं कि इसको कम से कम देखें इसको पूरे प्रोसेस को। बिजली का पीछे कह रहे थे मसला हल हो गया, लेकिन पाँच दिन छः दिन एक हफ्ता से फिर वही मसला हो गया। और पानी की समस्या तो ये तो पिछले एक दो साल से चल रही है, जो आज की बात नहीं है कि हम कहेंगे आज ये हुआ है। और इस पर कोई पीएचई वाले भी सिर्फ चाय पिलाते हैं, हम जाते हैं उनके पास तो चाय चाय पिला के हमें आश्वासन दे के लेटर दे के दिखा देते हैं जी हमने भेजा हुआ है, ये हमारे पास है। अभी और 10 दिन के बाद हमारा यात्रा आ रही है, इन्होंने हमारी कुछ बिल्डिंगें यहाँ ली हुई हैं, तो इन्होंने हमें बोला था जी हम जून की से पहले पहले सारा मसला हल कर देंगे, तो आज 6 जून हो गई कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरी एडवाइस ये है कम से कम लोगों को पानी तो दे दो और कुछ नहीं, सही पानी बिजली तो दो, जो मेन जरूरत है इंसान की वो दे दो, वही बहुत।